बैंक निफ्टी में डीआर चौकसी होल्डिंग्स के देवेन चौकसी से बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ऑब्वियस सवाल, जिस तरीके का कमबैक एचडीएफसी बैंक ने दिखाया, उससे क्या मैसेज मिल रहा है पूरे के पूरे बैंकिंग पैक के लिए और इवन एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए? अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक सबसे पहला मैसेज तो ये लेते हैं हम मार्केट के अंदर कि बहुत ज्यादा समय तक कोई कंपनी को आप निग्लेक्ट करो फंडामेंटल से, तो कोई ना कोई कारण जरूर आएंगे आई थिंक वो फंडामेंटल को सपोर्ट करने के लिए। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि HDFC बैंक, SBI जैसी बैंक जो अपने वैल्यूएशन के तरीके से भी देखे तो काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है कंपेरेटिवली। एक तरफ 18-20% का AUM ग्रोथ है ये बिजनेस के अंदर, और 4-4.5 साल या 5 साल के अंदर मैक्सिमम आपको ये बिजनेस डबल होते दिखता है, AUM डबल होते दिखता है। फिर भी द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट वैल्यूएशन विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन मेनी अदर पीयर ग्रुप्स। सो हम ये पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक जरूरी बनता है कि इन्वेस्टर की नज़र इसके ऊपर आती है। दूसरी तरफ देखें तो जो एडिशनल फंड फ्लो मार्केट के अंदर अभी तक जो FII के माध्यम से नहीं आ रहे थे वो आने शुरू होते हैं, तो उनकी सबसे पहले नज़र जो फ्रंटलाइन स्टॉक है उनके ऊपर जाती है, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक के अंदर उनका ज़्यादातर अमाउंट इन्वेस्ट करने की उन पर गुंजाइश है, सक्यता मिलती है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो आई थिंक द लाइक्स ऑफ HDFC बैंक, लाइक्स ऑफ रिलायंस, लाइक ऑफ SBI, दे विल फाइंड एडिशनल अमाउंट ऑफ एलोकेशन ऑफ मनी इन टू द काउंटर, बिकॉज जो बड़े फंड आ रहे हैं तो आई थिंक दैट इज गिविंग द लिक्विडिटी बेस्ड बूस्ट टू द। सो दोनों चीज, एक तरफ फंडामेंटल और उसके वैल्यूएशन, और दूसरी तरफ लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ड्रिवन पुश, ये दोनों को मिला के देखे तो आई थिंक दिस स्टॉक हैज एक्चुअली आई थिंक मूव्ड आउट फ्रॉम द रेंज इन विच इट वॉज ट्रेडिंग। मे बी टेक्निकली समबडी कैन गिव बेटर परस्पेक्टिव, बट मेरे ऐसा समझना है कि आई थिंक इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम करंट लेवल्स विच कैन पॉसिबली टेक द रैली फॉरवर्ड टू 2100 प्लस लेवल्स। देवेन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोलो डेली स्टूडियो से। मतलब एक दुविधा तो हमें हमेशा रहती है, जो चला वो चला, जो नहीं चला वो क्यों नहीं चला। मतलब पहले वो प्राइवेट बैंक वर्सेस PSU था, अब वो PSU वर्सेस प्राइवेट बैंक हो गया। एक और चीज़ आपके आने से पहले, अभी हम कुछ देर पहले CSB बैंक की मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, इस बार डिपॉजिट ग्रोथ उनकी अच्छी रही है। वो जो चैलेंज पिछले 6 महीने में या 2 क्वार्टर्स में परसिस्ट कर रहा था वो शायद थोड़ा सा अब फीका पड़ रहा है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, आपका व्यू रेस्ट ऑफ द बैंक्स पे क्या है, प्राइवेट बैंक्स पे, PSU बैंक्स पे, और आपके प्रेफर्ड आइडियाज इस वक्त बैंक्स में क्या है सर? तो हाँ, थैंक यू वीरेंद्र। जो मैं समझता हूँ उसके अंदर अगर आपको फेवरेबल कैसा रेशियो चाहिए तो डेफिनेटली आई थिंक यू रिक्वायर टू हैव लार्जर कॉर्पोरेट अकाउंट्स विथ यू, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सम ऑफ द बिगर बैंक्स हैव द एबिलिटी टू कॉर्नर सम ऑफ द लार्जर कॉर्पोरेट अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक द PSU कंपनीज अकाउंट कि जहाँ पे काफ़ी हद तक डेली मूवमेंट होती है फंड्स की, दे रिक्वायर सच काइंड ऑफ फ्लोट इन देयर बुक्स। सिमिलरली आई थिंक दी कॉर्पोरेशन विच आर इन प्राइवेट सेक्टर के जहाँ पे सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस मूवमेंट हो रही है तो दे ऑल्सो रिक्वायर लार्जर बेस ऑफ मनी आई थिंक द डिपॉजिट विच कम्स इन टू द बुक्स। सो टू ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इफ यू हैव सिग्निफिकेंटली लार्ज स्प्रेड ऑफ कस्टमर्स SME, MSME एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स ऑन वन साइड एंड द कंपनीज और द इन्वेस्टर्स विच आर डिपॉजिट बेस्ड इन्वेस्टर्स ऑन द अदर साइड, ये दोनों आई थिंक जो बैंक के पास बेटर क्षमता है यानी लायबिलिटी फ्रेंचाइजी मैनेज करने की क्षमता और लोन बुक मैनेज करने की क्षमता जिसके पास ज़्यादा है उनको डेफिनेटली फेवरेबल कासा रेशियो मिलता है, ये हम समझ के चलते हैं। एंड देट इज़ वेयर आई ऑलवेज बिलीव कि इन द फाइनेंस बिजनेस द बिग इज गेटिंग बिगर, क्योंकि इकोनॉमी की साइज इतनी जोर से बढ़ रही है तो स्मॉलर और मीडियम साइज की जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको फायदा मिलता है, बट कंपेरेटिवली द बिगर एंटिटीज को फायदा 2 गुना 3 गुना ज्यादा मिलता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द टाइम अगले 5-10 साल के लिए मे बी सम ऑफ द लार्जर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs विल बिकम मच बिगर देन व्हाट दे हैव बीन इन लास्ट 10 इयर्स। तो कौन सी NBFCs पर आप ज्यादा बुलिश रहेंगे फिर देवेन भाई इस समय, जो क्षमता रखती हैं इतना बड़ा होने की? यस, आई थिंक एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट, और मैं ऐसा समझता हूँ अक्षता कि आई थिंक बैंक्स लाइक से और NBFCs लाइक से फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस विच इज नाउ ऑल्सो सिटिंग ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ आई थिंक सेपरेटली लिस्टिंग द बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
सिमिलरली आई थिंक द जियोफिन जो अभी तक कारोबार के साथ में जुड़े नहीं है, बट मेरा ऐसा समझना है कि बैलेंस शीट नेटवर्थ जो 1,40,000 करोड़ की है एंड दिस कंपनी हैज बिकम अ सीआईसी कंपनी, दैट मींस इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन आरबीआई के साथ में किया है। सो यही संकेत ऐसा देता है कि जियो प्लेटफॉर्म एंड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सर्विसेज will be provided to respective companies with whom they will be operating or they would have stake in that company. Mera aisa manna hai ki I think ultimately they will be cross selling on the subscriber base that they have of different entities of Jio platform or even retail for that matter. Aisa manna hai ki I think overall the growth prospects I think remains significantly bigger for companies like JioFin, companies like Bajaj Finance, jiske paas I think kshamta kafi had tak badi hai. Either the deposit raise करने की या balance sheet बनाने की और on the other side I think lending करने की। Okay, Devan, large cap IT पर अब क्या view बन रहा है क्योंकि बस अब कुछ दिन की बात है और earnings आने शुरू होंगी। यार अनुज, I think एक चीज हमने पहले भी शायद discuss किया है चीज के ऊपर कि large cap companies have limited ability to give appreciation to investors given the size that they are holding. बट सर्टनली जब भी भाव से मिले तभी इसको लेना चाहिए क्योंकि 15-20 का रिटर्न कहीं नहीं जाता ये कंपनियों के अंदर। एक तरफ उनको नए कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहे हैं शायद थोड़े पेस कम है बट फिर भी आई थिंक जो मिल रहे हो 5 या 7 साल ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स की यू गॉट अ विजिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 5 to 7 years इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट दे आर साइनिंग इन, पर्टिकुलरली दोस 1 million कॉन्ट्रैक्ट्स आई थिंक व्हिच दे आर साइनिंग इन एवरी सक्सेसिव क्वार्टर्स। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक जो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई बेस का जो बिजनेस का जो एक आगे प्रोलिफरेशन हो रहा है, आई थिंक एवरी कस्टमर सेगमेंट ऑफ दिस सम ऑफ द लार्ज आईटी कंपनीज दे आर हैविंग द लार्जर अमाउंट ऑफ ऑर्डर बुक्स टू डील विद एंड लार्जर अमाउंट ऑफ कस्टमर्स टू डील विद। इनफैक्ट आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ सम ऑफ द लार्ज कंपनीज कम अप विद अ सैस बेस्ड मॉडल इन प्रोवाइडिंग इवन द फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज लाइक एआई टू सम ऑफ देयर कस्टमर्स। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज अ गुड पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी। We believe कि fundamentals are intact. We believe कि I think market ने काफी हद तक उनको थोड़ा neglect भी किया है. So maybe I think with the allocation of money now happening, they will find themselves re-rated. And I think around 10-15% return, even though they have appreciated, is still possible in the course of the year this year. अच्छा देवेन जी, अभी कुछ देर पहले हर्षता ने आपसे NBFCs पे टेक पूछा और उसी समय मेरे जहन में एक सवाल और आया। DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज और हाल ही में अगर आप देखें जो इनके सेल्स के आंकड़े आए उसने चौंकाया। DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज, HFCs और रियल स्टेट एंसिलरी, आप एस्टेल को देखिए, आप पॉलीकैप को देखिए, दे आर ऑल डूइंग वेल। आपके साथ स्टॉक सिलेक्शन में इस वक्त क्या अपीयर हो रहा है सबसे ऊपर? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन फ्रैंकली। आई थिंक द एंटायर बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक तरफ रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जिनके पास, मैं ऐसा समझता हूँ इफ इट इज नॉट टू मच टू स्पेल आउट दिस वे, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 50 साल के लिए आई थिंक दिस कंट्री विल बी अज्यूमिंग सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन द साइज ऑफ इकोनॉमी विच वी आर अज्यूमिंग बाई 2047। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो शायद आई थिंक दी कंस्ट्रक्शन बेस्ड एक्टिविटी द रियल एस्टेट के अंदर काफी हद तक आगे बढ़ने वाली है। And maybe some of the companies which are developing the size to execute larger projects, they will be the bigger beneficiaries. But jahan tak hum dekhte hain, building material segment per se looks, I think, quite interestingly positioned. Likes of Polycap, likes of Astral, or even for that matter, companies like Supreme Industries, which has got a larger chunk of business coming out today from the piping segment of the business, or even for that matter, paint business companies. Main aisa samajhta hoon ki each one of them will have a steady to higher rate of growth going forward in this business. Only challenge currently jo hum dekh rahe hain uske andar valuations. Most of the companies are actually, I think, priced in every possibility of growth at least for next 1.5 years going forward. And that is where I think you have a challenge ki aapko shayad thoda bahut discounted valuation milta hai to aapki sustainability or holding capacity zyada rehti hai. अगर आप महंगे लेते हो तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने के लिए। बट ओवरऑल द प्रोस्पेक्ट्स रिमेंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एज फार एज दिस बिजनेसेस आर कंसर्न्ड। इवन हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस आई बिलीव दैट आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू ग्रो 20% के रेट ऑफ ग्रोथ के आसपास, आई थिंक द लोन बुक बढ़ती रहेगी ऐसा मेरा मानना है बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर मनी एंड डिमांड फॉर द न्यू हाउसेस।
So we remain distinctly convinced about housing finance company as well, along with the building material segment. कल हम एलएनटी के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे देवेन, और उन्होंने कहा है कि हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में कई सारे ऑर्डर्स आगे हाथ लगेंगे. रैमको का एक पहले इट साइन किया हुआ ऑर्डर, उसको फाइनल क्लोज किया. एक और 6 महीनों में ऑर्डर जो पहले यू नो डेफर किया गया था, उसके लौटने के चांसेस हैं. कुछ देर पहले रॉयटर्स पर हमने फ्लैश भी किया था कि सरकार बड़े पैमाने पर पावर इक्विपमेंट खरीदारी करती हुई दिखाई देगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए. तो ये कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग काउंटर्स जिनमें पहले अच्छी तेजी देखी क्योंकि सीमेंस कमेंस इन सब में पैसे बने हैं लोगों के, क्या इन वैल्यूएशंस पर और खरीदारी करना करेंगे आप? यार अर्शदा, आई थिंक बिलियन डॉलर क्वेश्चन वंस अगेन. वैल्यूएशंस, आई थिंक पीएफसी आरईसी काइंड ऑफ कंपनीज के जिनके दाम बड़े हैं, फिर भी आई थिंक वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव नहीं है. अगर आप प्राचीन बुक वैल्यू के नजरिए से देखें और गिवन द साइज ऑफ ग्रोथ दैट दे आर एनकाउंटरिंग अराउंड 20% प्लस, मेनी मंथ ऑफ दे आर वेरी एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इवन दो फ्रॉम द लोअर लेवल्स दे हैव अप्रिशिएटेड रीजनेबली इन लास्ट 1 ईयर टाइम. एनी करेक्शन इन द मार्केट प्लेस, आई थिंक दोज कंपनीज आर डेफिनेटली बेटर ऑफ, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ने खुद ने कैपिटल लाइट इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम रखा हुआ है इकोनॉमी के अंदर, दूसरी तरफ जो नए फंड्स बाहरगांव से फॉरेन से आ रहे हैं, they are also putting money in generation, they are also putting money in distribution of power and all. So, मेरा ऐसा एक clarity सा के साथ में एक view बनता है कि I think the businesses are going to grow big time from here onwards as far as the infrastructure activity goes. और infrastructure activity को support करने के लिए जो capital goods companies है उनके लिए भी I think समय अच्छा जा रहा है. Maybe the frontline capital goods companies which I want to call it as OEMs, they may be slightly expensive, like I think the Larsens and the ABBs and the Siemens of the world. But the suppliers to those companies, which are having larger growth because of their parent or the OEM company is growing bigger. Say, for example, likes of PT Engineering is supplying the laminates to for the motor manufacturing to ABB, Siemens kind of a company, or even for that matter, even in automobile segment or other pump segments. So to that extent, I think this kind of businesses are likely to grow faster and bigger. Though I think I have said the name of the company, but a disclaimer that I think this company is just only for the reference sake, I have put across. I think people should invest after careful examination of the company's prospects. All right, Devin ji, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए. Meanwhile, पिछले कुछ मिनटों का स्टॉक ऑफ द मोमेंट BHEL और कुछ उन न्यूज़ फ्लैशेस का भी इम्पैक्ट आपके स्क्रीन पर, लेकिन BHEL का चार्ट आई थिंक बीरो ने स्पॉट भी किया था इसको, और ये देखिए स्टॉक इस समय डे हाई पर.